तो स्वागत है आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल भंडारी स्त्री में। पहले आप सबको विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आज मैं आप सबको न्यू ईयर के इस दिन एक अच्छी सी केक बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए ना ओवन चाहिए, इसमें यग नहीं डलती है और मैदा की भी ज़रूरत नहीं है। बस दो तीन बिस्किट पैकेट्स और दो तीन डायरी मिल्क चॉकलेट्स की ज़रूरत है। देखो दो ओरियो बिस्किट पैकेट्स ले आता, एक बॉर्बन बिस्किट पैकेट ले आता। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके ऐसे मिक्सी में डाल के ऐसे पाउडर बनाना है। और इसमें ना आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। मेरे बहन तो ऐसे बादाम को अच्छे से रोस्ट करके डाल रही थी। बादाम को पहले एक कढ़ाई में डाल के स्लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लीजिए अच्छे से ऐसे। बादाम अच्छे से ड्राई रोस्ट होने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद ऐसी हमारे घर में होती ना स्लाइसर, वहाँ स्लाइस करने वाले ब्लेड से ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आपके घर में अगर ऐसे ड्राई फ्रूट चॉपर हो तो उसमें डाल के भी चॉप कर सकते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद हमारे वो पाउडर बनाया था ना बिस्किट पैकेट्स को, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ऐसे ही मिलाना है, एक ही तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अच्छे से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के केक की बैटर की तरह मिलाना है। ऐसे थोड़ा दूध डाल के मिलाओ अच्छे से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अच्छे से ऐसे दूध डाल के मिलाना है। आपके न्यू ईयर का प्लान्स क्या है, आपने क्या बनाया वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। देखो कितने अच्छे से ऐसे ही मिलाओ। इसमें अब आप चाहे तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो चुटकी भर। नहीं तो हमने इनो डाला था ऑरेंज फ्लेवर की, इससे ना थोड़े ऑरेंज फ्लेवर आ जाती है केक में, इसलिए हमने इनो डालते थे। और आप चाहे तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी एक टी स्पून वो डाल सकते हो। ऐसे अच्छे से मिलाना है। హాఫ్ ప్యాకెట్ ఏమన్నా 30 ప్యాకెట్ ఇక్కడ ఉంది, అందులో పావే పడినట్టుంది కానీ దేకో కిత్నే అచ్చేసే ఆగయిన ఏసే अच्छे से केक की बैटर की तरह बन गई। इस बैटर से हम कप केक्स बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट केक भी बना सकते हैं। हम दोनों बना के दिखाया था इस वीडियो में, आप आखिर तक देखते रहना। देखो ऐसे थोड़े ड्राई फ्रूट्स बैटर में भी मिला लीजिए। आप वॉलनट्स डालना चाहते हो तो वॉलनट्स भी डाल सकते हो। ये तो वॉलनट ब्राउनी जैसी बहुत अच्छी टेस्ट आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो एक बाउल को लेके उसमें अच्छे से तेल लगा के और थोड़ा आटा डाल के वो भी लगा के इस केक के बैटर को उस बाउल में डाल दीजिए। देखो ऐसे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी डाला था मेरी बहन ने, आप नहीं चाहिए तो ऐसे भी डाल सकते हो। देखो ऐसे अच्छे से फेट एक बार नीचे ऐसे ऐसे कर लीजिए। ऐसे किया तो अंदर के बबुल सब जाएंगे। अब ये चॉकलेट भी डाल रही थी 10 रुपये की डेयरी मिल्क, अच्छे से डाल लीजिए। आप कितना चॉकलेट चाहिए उतना डाल सकते हो। चॉकलेट डालने से टेस्ट और ज़्यादा होती है चॉकलेट केक की तरह। ऐसे दो तीन बार दबा दिया तो अंदर का बबुल सब चला जाएगा और बैटर अच्छे से फैल जाएगी बाउल में सब। ऊपर से थोड़ा और ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे अब ना कुकर में रखना है। कुकर में रखने से पहले कुकर को प्रीहीट करना है थोड़ा,
ऐसे हाथ लगा के देखे तो गर्म हवा आनी चाहिए। अब देखो करके गैस कट निकालना है, ऊपर की सीटी निकालना है और फ्लेम को कम धीमी आंच में रखना है। धीमी आंच में रख के उसमें वो बैटर लगा के ढक्कन लगाना है। देखो कितने अच्छे से बन गई। 45 मिनट्स तक ऐसे ही धीमी आंच में पकाना है। अच्छे से पक गई। पकी है या नहीं एक टूथपिक से देखो, टूथपिक को बैटर लग गया तो नहीं पका, नहीं लगा तो पक गई अच्छे से। देखो अब कपकेक्स बना रही। इसके लिए हमें डिस्पोजेबल टी ग्लास मिलते हैं ना, वो डिस्पोजेबल टी ग्लास लीजिए। उसे भी पहले की तरह सीजन कर लीजिए और इसमें थोड़ा ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डाल सकते हो। अब डाल के इसमें थोड़ा बैटर डालना है। एक एक ग्लास में एक स्पून से अच्छे से बैटर डालिए और ग्लास को ना आधे तक भरना है। आधे तक क्या, 3/4 ग्लास तक भर लीजिए। ज़्यादा भर लिया तो सब बैटर नीचे गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये केक फूलेगी ना, इसलिए आधा आधा या 3/4 आपकी मर्जी, ऊपर तक मत भरिए। देखो ऐसे थोड़े बैटर डाल के उसमें एक ऐसे चॉकलेट डाल के उसमें ऊपर से और बैटर डाल लीजिए। अगर आपके आप डायरी मिल्क सिल्क चॉकलेट लाना चाहते हैं तो आप केक एक ना जैसे लावा केक की तरह बन जाएगी, बहुत टेस्टी होगी। ये तो नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट डाली थी आप, अगर आपको हुआ तो सिल्क डालिए। एक बाइट डाले तो ना वो सिल्क बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी अंदर और डेयरी मिल्क चॉकलेट की तरह लगेगी। ये भी अच्छी होगी खाने के लिए, टेस्टी, चॉकलेटी चॉकलेटी जैसा, वो लावा केक की तरह बन जाएगी। एक बार वो भी बनाई है आपने, मैं भी एक बार बना के दिखाऊंगी आपको सिल्क चॉकलेट से। अच्छे से ऐसे सब ग्लास को भरना है। पहली की तरह नीचे दब ऐसे दो बार दबाए तो बैटर ना अच्छे से फैलेगी ग्लास में। ऐसे थोड़ा बैटर डाल के उसमें चॉकलेट डाल के और ऊपर से थोड़ा बैटर और उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप वॉलनट्स भी ले सकते हो, हमने बादाम लिया था, और कैशूज भी ले सकते हो। आपकी टॉपिंग्स अपनी मर्जी से लो, और आप चाहे तो टूटी फ्रूटी, नहीं तो वो जाम होती ना किसान जाम, वो भी डाल सकते हो, वो टेस्टी होती है। देखो फिर ऐसे ही कुकर में रख के 45 मिनट्स के बाद कितने अच्छे से फूल गए थे। ऐसे ही बस हमारा कपकेक्स भी रेडी है। एक बार देख लिया था अच्छे से पक गए हैं। देखो कितने अच्छे से बने हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आप भी एक बार ट्राई कीजिए। घर में ही जल्दी बन जाती है, इसे कुकिंग सीखने की या वो क्या बेकिंग सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे देखो हमारा केक है। आज न्यू ईयर है ना, 2024 लिख रही है। ये साल हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहना इस जर्नी में। हैप्पी न्यू ईयर, फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। थैंक यू। मेरी बहन के यहाँ तो ऐसे केक और कपकेक, मिर्ची बजी, जलेबी और स्प्राइट के साथ चल रहा था। मैं तो पिज़्ज़ा खाई थी, दूसरी बहन तो कपकेक्स बाहर से मंगवाई थी। ऐसा ही हमारा न्यू ईयर। आपका न्यू ईयर कैसा है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस न्यू ईयर में आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हमारे इस जर्नी में, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। कोई फॉल्स हो तो एडिटिंग में, वॉइस ओवर में, वो भी बताइए, हम उसे ज़रूर ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखो मिर्ची भजी और ये जलेबी, कपकेक्स, ये है उसकी न्यू ईयर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।